नमस्कार, मैं डॉक्टर स्टीव शर्मा, DHMS। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का सवाल है, अस्थमा की बीमारी का इलाज बतलाएं। तो अस्थमा यानी कि दमा, सांस लेने में तकलीफ होना, बैठे बैठे सांस भर जाना या चलने फिरने में सांस फूलना, मेनली अस्थमा की प्रॉब्लम धूल मिट्टी से एलर्जी के कारण हो सकती है, गलत खान पान की वजह से हो सकती है, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, बहुत ज़्यादा ठंडा खट्टा बार बार लेने की वजह से हो सकती है, या चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से भी अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। चाहे वो पुरानी खांसी की वजह से चेस्ट इन्फेक्शन रह गया हो, सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी बहुत लंबे समय से रही हो, या बचपन में कोई नमूनिया बिगड़ जाने की वजह से चेस्ट इन्फेक्शन हो गया हो, या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से कोई चेस्ट इन्फेक्शन आ गया हो जिसकी वजह से अस्थमा की प्रॉब्लम आ जाती है। तो अस्थमा के लिए आज बहुत ही बढ़िया एक होम्योपैथिक दवा मैं आपको बता रहा हूँ। दवा का नाम है डॉक्टर दमा प्लस VC2। ये टैक्टिस इंडिया का गवर्नमेंट अप्रूव्ड फॉर्मूलेशन है और दवा कॉम्बो पैक में रहती है। इसमें दो तरह का दवा होता है, पीने के लिए डॉक्टर दमा ड्रॉप्स, जिसकी 20-20 बूंद दवा की एक कप पानी के अंदर मिलाकर दिन में 4 बार पीना होता है, और इसके साथ बायोकेमिक नंबर 2 की टैबलेट होती है जो 4-4 गोली दिन में 3 बार चूसनी होती है। दवा को बीमारी के आधार पर कम से कम 2-3 महीना जरूर लेना चाहिए। दवा के साथ खुशबू वाली चीज़ें नहीं लेनी है, जैसे कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, इलायची, सौंफ, हींग, कॉफ़ी, और बहुत ज़्यादा ठंडा और खट्टा ना लें। अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट www.tactis.in या कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट कर सकते हैं 8285742000। और आप लोगों की सुविधा के लिए कंपनी का लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट पे भी दे रहा हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए।